नमस्कार मित्रों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के तहत मैं पवन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियोस के दौरान हम लोगों ने हिंदी के महत्वपूर्ण विषय संधि विच्छेद पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने संधि के एक महत्वपूर्ण प्रकार स्वर संधि का अध्ययन कर लिया था और उसके एक अन्य प्रकार व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ नियमों पर चर्चा की थी। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग व्यंजन संधि के अन्य नियमों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 4। पिछले टर्म पे हम लोग व्यंजन संधि के 3 नियमों पर चर्चा कर चुके थे, जिसमें हमारा पहला नियम था पहले पद के वर्ण का तीसरे पद के वर्ण में रूपांतरण। उस पर हम लोगों ने पूरी चर्चा की थी और उसके कुछ उदाहरणों को हमने देखा था। दूसरा नियम हमारा था पहले पद के वर्ण का पांचवें वर्ग के पद में रूपांतरण। और अंतिम नियम जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी वो था माँ संबंधी नियम, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने माँ से संबंधित कुछ नियमों पर चर्चा की थी और उसके उदाहरणों को देखा था। आइए आज चौथे नियमों की हम लोग चर्चा करते हैं। व्यंजन संधि का चौथा नियम जो है वो हमारा है छा संबंधी नियम। देखिए मित्रों, ये नियम क्या कहता है, पहले तो हम जान लेते हैं नियम हमारा क्या कहता है। छा संबंधी नियम हमारा ये कहता है कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण, हम लोग चर्चा करते हैं बार बार कि संधि जो होती है वो दो पदों के, पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रारंभिक वर्ण के मिलने से होती है। तो छा संबंधी नियम के अंतर्गत जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ये नियम हमारा कहता है कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण जो होता है वो क्या हो, हमारा स्वर हो, यानी पहले पद के आखिरी में आने वाला वर्ण स्वर हो और दूसरे पद का प्रारंभ छा से हो, तो संधि के फल स्वरूप हम लोग छा से पूर्व चा का प्रयोग करते हैं, छा का प्रयोग करते हैं। यह है हमारा छा संबंधी नियम। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे आधन छादन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि अपनी जो हम लोग को पढ़ने की गति है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि अब इन चीजों को हम लोग बेसिक रूप से इसका कई बार अभ्यास कर चुके हैं। तो अब यहां पर देखिए, इस पद का प्रारंभिक वर्ण या अंतिम वर्ण जो है इस पद का वो क्या है हमारा, वो है एक स्वर। और दूसरे पद का जो प्रारंभ हो रहा है यानी उसका प्रारंभिक वर्ण हमें क्या मिला, वो मिला छा। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो नियम है कि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या, एक स्वर, और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण क्या, छा। ये चीजें अगर मिल गई तो जो हमारा नियम कहता है वो कहता है कि ऐसी परिस्थिति में हम इस छा से पहले क्या करते हैं, इस छा से पहले वर्ण चा का प्रयोग कर देते हैं या वर्ण चा को प्रयोग में ले आते। तो ये वर्ण हमारा बन जाता है आच्छादन। इस प्रकार से इस वर्ण की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देख लिया संधि का प्रकार। आइए इसी के कुछ अन्य विच्छेद के एग्जाम्पलों को हम लोग देखते हैं, हम लोग शब्द देखते हैं। जैसे परिच्छेद एक अन्य हमारा
अनुच्छेद। इसी प्रकार एक विच्छेद। ठीक है, हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल में संधि की थी। इन तीन उदाहरणों में हम लोग क्या करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे। ठीक है, तो देखें हम लोग अपनी पूर्व की क्लासों में वर्ण विन्यास का कई बार अध्ययन कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपने घरों में भी उसका अभ्यास किया होगा। तो उसी को हम लोग वर्ण विन्यास को यहां पर नहीं देखते हैं और इसको सीधे ही हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे देखें, इसका जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो ये दो वर्णों में टूटेगा, परि धन छेद। ठीक है, अब जब ये वर्ण टूटा तो यहां से आप देखिए, अब यहां पे आप इसको देखेंगे तो इस पहले पद का अंतिम वर्ण आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा ई। ठीक, और इस दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण जो होगा वो होगा छ। ठीक है, तो आपका नियम देखिए, ये स्वर और ये छ, तो जब बनेगा तो इन दोनों के बीच में क्या छ आ जाएगा और ये शब्द हो जाएगा आपका परिच्छेद। इसी प्रकार से नीचे वाले का विच्छेद होगा अनुधन छेद, और इसका पीधन छेद। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजन संधि का चौथा नियम था, छ संबंधी नियम, जिस पे हम लोग इस प्रकार से इसको करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग व्यंजन संधि के एक अन्य नियम पे चर्चा करते हैं, अन्य महत्वपूर्ण नियम पे चर्चा करते हैं, जो कि हमारा है सा का सा में परिवर्तन। ठीक है, ये नियम हमारा क्या कहता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जबकि ये वर्ण सा जो है हमारा वर्ण शा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये नियम हमारा क्या कहता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले नियम में पढ़ा था कि पहले पद पे हमें क्या मिलना चाहिए, पहले पद पे हमें स्वर मिलना चाहिए था। ठीक है, यहां पे बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा। इस नियम में जब हम लोग देखेंगे तो इस नियम में हम लोग चर्चा करेंगे कि पहले पद पे हमें स्वर तो मिलेगा, पहले पद पे हमें स्वर तो मिलेगा, परंतु वह स्वर कैसा होगा, वो स्वर होगा आ अथवा बड़ा आ से भिन्न। ठीक है, कैसा, छोटा आ अथवा बड़ा आ से भिन्न, और दूसरे पद का जो प्रारंभ होगा वो होगा वर्ण सा से। यानी हमारी क्या कंडीशन बनेगी, हमारी कंडीशन बनेगी कि पहले पद पे हमें छोटा आ अथवा बड़ा आ से कोई भिन्न स्वर मिल जाए। ठीक है, यानी यहां पे क्या ई आ सकता है, बड़ी ई आ सकता है, उ आ सकता है, बड़ा उ आ सकता है आदि स्वर, और दूसरे पद का प्रारंभ जो हो वो इस सा से हो। अगर ऐसी परिस्थिति हमारे सामने होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सा है संधि के फलस्वरूप इस सा को इस सा में बदल देते हैं, इस सा को इस सा में बदल देते हैं। ये है हमारा सा का सा में परिवर्तन संबंधी नियम, व्यंजन संधि का हमारा नियम नंबर 5। ठीक है, आइए इसको उदाहरणों के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे अभिधन छेद, अब आप लोग बताएं
पहले पद का अंतिम वर्ण यहां पे क्या होगा, वो होगा ई, और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण सा। यानी हमारी जो कंडीशन है वो हमें मिल गई, तो संधि के फलस्वरूप हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा सा है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वो शा में परिवर्तित हो जाएगा, और ये शब्द आपका बन जाएगा अभी शेख। ठीक है, इसके कुछ अन्य नियम हम लोग देखते हैं। जैसे सुषमा, ठीक है, तो वर्ण विन्यास हम लोग पहले इसका कर लेंगे, हम लोग इसका वर्ण विन्यास कर लेंगे। तो जब वर्ण विन्यास करेंगे तो यहां से इस शब्द को हम लोग तोड़ेंगे और देखेंगे कि यहां पे हमें क्या मिला, छोटी ई, और ये शब्द हमारा क्या है, शा। ठीक है, शब्द है हमारा सा, इसकी जगह हमारा क्या रहा होगा, जब हम लोग इसको विच्छेद करेंगे तो इसके पूर्व में रहा होगा ये सा, तो ये शब्द हमारा बन जाएगा सुधन मा सुषमा। एक अन्य एग्जांपल हम लोग इसका देखते हैं, विधन सम। ठीक है, यहां पे ई और ये सा परिवर्तित होगा षटकोण वाले शा में, और ये शब्द आपका बन जाएगा तो इस प्रकार से हमारा ये व्यंजन संधि का पांचवा नियम शा का शा में परिवर्तन पूर्ण होता है। ठीक है, इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल हम लोग शीट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग एक अन्य नियम पर चर्चा करते हैं, व्यंजन संधि का एक अन्य महत्वपूर्ण नियम जो कि कहता है, नियम नंबर 6, जो कि क्या कहता है, वो नियम कहता है वर्ण ना का वर्ण अणा में परिवर्तन। वर्ण ना का वर्ण अणा में परिवर्तन, ये नियम हमारा क्या कहता है, ये नियम हमारा कहता है कि यदि पहले पद के अंत में हमें री, रा अथवा शा मिले, कौन से तीन वर्ण मिले हमें, री, रा अथवा शा मिले, और दूसरे पद में, यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे हम लोग दूसरे पद में प्रारंभ की बात नहीं करेंगे, जब इस नियम को हम लोग अभी पिछले जो नियम पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण। लेकिन जब इस नियम की हम लोग चर्चा करते हैं तो इसमें हम लोग कहते हैं कि पहले पद के अंत में तो हमें री, रा अथवा शा मिले, ठीक है, और दूसरे पद का प्रारंभ जो हो, या दूसरे पद में किसी भी जगह पर, दूसरे पद में किसी भी जगह पर हमें वर्ण ना मिले, वर्ण ना मिले, तो संधि के फलस्वरूप हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ना है, ये जो ना है इसको क्या करेंगे, अड़ा में बदल देंगे या परिवर्तित कर देंगे।
ठीक है, इस ना को ना में परिवर्तित करें। एक महत्वपूर्ण चीज इस नियम में और है, हम लोग यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो तीन वर्ड यूज हुए हैं री रा शा, ठीक है, इनके साथ स्वर भी आ सकता है अंत में। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि या तो ये स्वतंत्र रूप से आए, ठीक है, और या स्वर के साथ सस्वर के साथ प्रयुक्त हों, दोनों ही परिस्थितियों में हमारा ये नियम जो है वो लागू होगा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा आसान करते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा इसका एक शब्द है री धन ना, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे ये री आई, री और इसके बाद ये ना, यानी हमारा नियम जो है वो पूरा हो गया। तो ये नियम सिंपली क्या करेगा कि इस ना को किस में परिवर्तित कर देगा, अणा में परिवर्तित कर देगा, और ये शब्द आपका हो जाएगा ऋण, ठीक है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे अब यहां पे आप देखिए, यहां पे जब आप देखेंगे तो ये रा कैसा आ रहा, देखिए यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम आपको वर्ण विन्यास में कई बार बता चुके हैं कि ये जो रा होता है ये रा में एक व्यंजन और एक स्वर मिल करके ये रा बनता है, ठीक है। तो अब आप यहां पे इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहां पे हमें अंतिम वर्ण के रूप में आ मिल रहा है। हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि यहां पे पहले पद का आखिरी वर्ण जो है वो री रा शा स्वतंत्र रूप से भी आ सकता है और स्वरों के साथ भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या मिला हमें, रा स्वर के साथ मिला और ये ना, तो हमारा नियम जब पूरा हुआ तो ये ना हमारा अणा में बदल जाएगा और ये शब्द हो जाएगा हरण, ठीक है। एक इसका अन्य एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अब इस एग्जाम्पल को देखिए। अब ये एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है कि पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, सा है, और देखिए ये सा कैसे है, ये सा किसके साथ है, बिना स्वर के साथ प्रयोग हो रहा है। यहां पे देखिए इसके साथ स्वर नहीं है, बिना स्वर के प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और इस सा के बाद हमें क्या मिल रहा है, ना, तो ये भी हमारा सा जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, सॉरी ये ना हमारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ना में, और ये शब्द बन जाएगा आपका कृष्ण। कुछ अन्य एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, जैसे करिए इनको, तो ये शब्द हमारा देखिए यहां से टूटा और ये शब्द क्या मिला, त्रिश, और ये रा आ रहा है संधि के फलस्वरूप, तो जब विच्छेद करेंगे तो पूर्व में क्या रहा होगा, ना। आगे का देखिए, इसी प्रकार ये टूटेगा
परिधन नाम में, और इस वाले एग्जांपल को हम लोग देखेंगे तो ये बनेगा अब इस वाले एग्जांपल को देखिए, ये वाला एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है। देखिए नियम हमारा क्या कह रहा था कि पहले पद पे क्या मिले, री रा और शा। हम लोगों ने ऊपर लिखा था कि पहले पद पे हमें क्या मिले, री रा और शा, और दूसरे पद का प्रारंभ नहीं। हमने जब नियम की बात की तो कहा था कि दूसरे पद में किसी भी जगह, दूसरे पद में किसी भी जगह ना आ जाए तो उसका हम लोग किसमें परिवर्तन कर देंगे, अरा में परिवर्तन कर देंगे। तो यहां पे देखिए ये दूसरे पद के प्रारंभ में ना करके अरा कहां आ रहा है, आखिरी में आ रहा है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा परिधन ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा व्यंजन संधि का छठवा नियम हो गया ना संबंधी नियम, ठीक है। व्यंजन संधि के हम लोग छह नियमों पर चर्चा कर चुके हैं। आइए एक महत्वपूर्ण और अंतिम नियम व्यंजन संधि के पे हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि नियम है हमारा संबंधी नियम। देखिए मित्रों, हम लोगों ने अभी जो पूर्व नियम पढ़े वो सिंगल सिंगल लाइन में कंप्लीट होते चले जा रहे थे, लेकिन ये जो तासंबंधी नियम है ये अपने आप में नियमों की एक श्रृंखला है, ठीक है। इसमें कई नियम इसके अंतर्गत हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग एक सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि उन नियमों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग अगर उसको एक साथ देखते हैं तो उसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो हम लोग कोई भी बड़ी चीज जो है उसको समझने के लिए क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में कर लेंगे। तो जब हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में करेंगे तो ये तासंबंधी नियम जो है इसके कई अन्य नियम भी हो जाएंगे। आइए उन्हीं नियमों को लेकर के हम इस पर चर्चा करते हैं। तो तासंबंधी नियमों में जो हमारा पहला नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि यदि ता के बाद चा अथवा छा आए, यह है इसका नियम पहला। क्या कहता है, यदि ता के बाद चा अथवा छा वर्ण आए तो हम लोग संधि के फलस्वरूप ता को चा में बदल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ता को चा में बदल देंगे। अब देखिए क्या होगा, चाहे चा आए और चाहे छा आए, ये नहीं है कि सिर्फ चा ही को हम देखेंगे, चा या छा में से कोई भी एक वर्ण आएगा तो ये जो हमारा ता है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये छा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पहले इनके नियमों की चर्चा कर लेते हैं, अंत में हम लोग एक साथ सारे इनके उदाहरणों को देख लेंगे। तो पहला नियम हमारा क्या है, ता के बाद चा अथवा छा आए तो ये ता जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, चा में बदल जाएगा, ठीक है। दूसरा नियम इसका कहता है यदि ता के बाद जा अथवा झा आए, ठीक है, ता के बाद जा अथवा झा आए तो ऐसी परिस्थिति में ये जो हमारा ता है वो जा में बदल जाएगा। ता हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, जा में परिवर्तित हो जाएगा,
ता संबंधी तीसरा नियम जो हमारा है वो कहता है ता के बाद ता अथवा था आए वर्ण ता अथवा था आए तो हम लोग ता को टा में परिवर्तित कर देंगे या टा में बदल देंगे। ठीक है, ता संबंधी चौथा नियम जो हमारा है वो कहता है कि ता के बाद डा अथवा ढा आए तो हम लोग ता को डा में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ता को डा में परिवर्तित कर देंगे। एक अन्य नियम इसका जो है वो कहता है कि ता के बाद यदि वर्ण ला आए तो हम लोग ता को ला में परिवर्तित कर देंगे। क्या करेंगे, ता को ला में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये पांच नियम है। आप देखिए इसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि ता के बाद चा छा आ रहा है तो ता किस में परिवर्तित हो रहा है, चा में, यानी पहले वर्ण में। इसी प्रकार अगर जा झा आ रहा है तो ता हमारा किस में बदल जा रहा है, जा में। ता के बाद टा ठा आ रहा है तो ता बदल रहा है टा में। डा ढा आने पे ता बदल रहा है डा में। और ता के बाद ला आने पे ता किस में बदल जाएगा, ला में बदल जाएगा। ठीक है, ये पांच नियम हमारे ता संबंधी नियम है। दो नियम और हैं लेकिन ये क्या है, इसमें हमारा एक ही परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यानी एक ही पद में, इस ता में ही परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम इन नियमों को देखते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, इसके उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सत धन चरित्र, तो ये देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण ता और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण चा, तो ये ता हमारा परिवर्तित हो गया किसमें, चा में। और ये शब्द आपका बन गया सच्चरित्र। ठीक है, सच्चरित्र। नेक्स्ट देखिए, दूसरा उत्धन चारम, ता और ता के बाद वर्ण चा, तो ये ता हमारा परिवर्तित हुआ चा में और ये शब्द आपका बना उच्चारण। क्लियर है, और कुछ अन्य एग्जांपल हम इसके देखते हैं। जैसे एक बहुत प्रमुख एग्जांपल है, पेपर में पूछा जाता है और वर्तनी की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्त धन ज्वल, अब जब आप इसमें संधि करेंगे तब आप पाएंगे। देखिए यहां पे क्या है, जा वर्ण जा और पहले पद पे ता। ठीक है, तो जब हमारा नियम पूरा हुआ तो क्या कह रहा है, ये ता किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा और ये शब्द हमारा बन जाएगा। अब देखिए पेपरों में क्या होता है, जब वर्तनी में आता है तो शब्द इस तरीके से लिखा होता है।
ठीक है, ये दो तरीके से होते हैं। पूछता है निम्न में से एक शब्द ये होता है और एक शब्द ये होता है। अब इन्हीं दोनों में से पूछता है कि आपका निम्न में से शुद्ध क्या है या अशुद्ध का चयन कीजिए। तो आप देखिए संधि किस प्रकार से आपके एक दूसरे टॉपिक को कवर करती है, ठीक है। इसीलिए संधि को हम लोग क्या कहते हैं कि संधि को हम लोग पूरे हिंदी व्याकरण के एक तरीके से बैकबोन मान करके चलते हैं कि सिर्फ अपने आप में ही नहीं बल्कि कई चैप्टरों को अपने आप में कवर करते हुए चलती है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पलों में भी देखा था कि शब्दों को तोड़ करके हम लोग किस प्रकार से पर्यायवाची निकाल रहे थे, ठीक है, कई तरीके के पर्यायवाची हम लोगों ने देखे थे। तो अब यहां पे देखिए ये ता कैसा है हमारा, बिना स्वर के है, आधा है, और बाद में आने वाला। अब अगर देखिए अगर हम इसी को ले लें तो चलिए यहां से अगर आपको ले लें तो ये उत प्लस जवल, यहां से ये शब्द होना चाहिए। तो शुद्ध शब्द जवल होता है या ज्वल होता है, जलने में, ठीक है। तो शुद्ध शब्द होता है ज्वल, तो यहां से शब्द बन जाएगा ज्वल, ठीक है। ये क्या है आपका शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार से देखते हैं वृहत धन टीका, वृहत धन टीका। तो ये देखिए ता और ता के बाद वर्ण टा, तो ये शब्द आपका क्या बन जाएगा, ये ता परिवर्तित होगा टा में और ये शब्द बन जाएगा वृहत टीका। क्या इसी को हम लोग कहीं कहीं कॉपियों में किताबों में इस प्रकार से लिखा देते हैं वृहत टीका, ठीक है। अन्य एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं, डेयर, ठीक है। तो ये शब्द क्या, ता के बाद डा, तो ये शब्द आपका हो जाएगा, ता परिवर्तित होगा आपका डा में और ये शब्द हो जाएगा उड्डे, ठीक है। या इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं उड्डयन। एक अन्य नियम था हमारा, ता के बाद यदि ला आए तो उसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उत धन लेख, यानी ता के बाद ला, ता के बाद ला, तो ये ता हमारा परिवर्तित हो जाएगा ला में और ये शब्द आपका हो जाएगा उल्लेख, ठीक है। इस प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप लोग अपनी किताबों में देखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे और हम भी शीट के माध्यम से आपको अन्य जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग ता संबंधी पांच नियमों की चर्चा कर चुके थे, ठीक है। अब इससे संबंधित दो अन्य और महत्वपूर्ण नियम है, आइए उसकी चर्चा हम लोग एक साथ कर लेते हैं। वो नियम क्या कहते हैं, वो नियम कहते हैं कि यदि ता के बाद हा आ जाए, यानी पहले पद के अंत में ता हो और दूसरे पद का प्रारंभ किससे हो, हा से हो, तो संधि के फलस्वरूप हम लोग क्या करते हैं कि ता को दा में और हा को धा में बदल देते हैं। देखिए अभी तक क्या था, अभी तक हमने जो ता संबंधी पिछले पांच नियम देखे उसमें हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ पहले पद में ही परिवर्तन हो रहा था, ता ही क्या हो रहा था, या तो चा में परिवर्तित हो रहा था या जा में परिवर्तित हो रहा था या ला में परिवर्तित हो रहा था या टा और दा में परिवर्तित हो रहा था। लेकिन जब इस तरीके का नियम आता है कि ता के बाद क्या हो जाता है, हा आ जाता है,
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ ता में नहीं बल्कि ता के साथ साथ हा में भी परिवर्तन करते हैं। और वो परिवर्तन कैसा होता है, ये ता जो होता है वो किसमें, दा में, और ये हा जो होता है वो किसमें, धा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका एक अन्य नियम जो है वो है, यदि ता के बाद शा आ जाए, ठीक है, ता के बाद वर्ण सा आ जाए, उस परिस्थिति में भी हम लोग इन दोनों में ही परिवर्तन करते हैं और ये हमारा ता जो है वो चा में और शा जो है वो छा में बदल जाता है। ठीक है, शा जो है वो छा में बदल जाता है। तो इस प्रकार के हमारे ता संबंधी जो सात नियम थे, देखिए कुल नियम जो है वो व्यंजन संधि में सात हैं, लेकिन ता के अंतर्गत ही सात नियम हैं। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनमें परिवर्तन होता है। कुछ एग्जांपल इसके हम लोग देखते हैं, जैसे ठीक है, सत्य धन शास्त्र। अब देखिए ये ता और ये सा, ठीक है, तो दोनों कंडीशन मिल गई, तो ये ता हमारा परिवर्तित किसमें होगा, ता हमारा परिवर्तित होगा चा में, और ये शाह हमारा किसमें परिवर्तित होगा, ये शाह हमारा परिवर्तित होगा छा में। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, ये शब्द हमारा बन जाएगा सच्छास्त्र। ठीक है, एक इसका बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, उसको हम लोग देखते हैं। वो एग्जाम्पल है आपका उत्तधन श्रंखल। अब देखिए यहां पे ये श्रा जो है वो क्या कर रहा है, ये श्रा शा और री से मिलकर के बनना। ठीक है, तो यहां पे जो दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण है वो हमें क्या मिल गया, शा और ये ता। तो ये हमारा देखिए नियम लग गया, ता के बाद शा। तो अब इसको हम लोग किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, इस ता को बदलेंगे किसमें, चा में, और ये शा बदलेगा किसमें, छा में। तो ये शब्द आपका हो जाएगा उच्छृंखल। ठीक है, और ये शब्द भी आपका वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये शब्द भी आपका क्या होता है वर्तनी में, जहां पे क्या है, ये हमारा शा जो है वो किसमें परिवर्तित हो गया, छा में, और ये ता चा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, एक अन्य एग्जांपल इसका हम लोग देख लेते हैं। एक जो हम लोगों ने बताया था कि ता के बाद हमारा क्या आ रहा था, हा, तो उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। उत्तधन हार, ये क्या हुआ आपका ता, और ता के बाद आने वाला वर्ण हा। ठीक है, तो ये ता हमारा किसमें परिवर्तित होगा, दा में, और ये हा धा में। तो ये शब्द हमारा बन जाएगा उद्धा, या इसी को हम लोग किताबों में इस प्रकार से लिखा हुआ देखते हैं, उद्धा। ठीक है, एक इसका विच्छेद हम लोग देख लेते हैं, तो आप लोग घर में पहले इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, और जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि किस प्रकार से टूटेगा, उत्तधन हार। ठीक है,
तो आज हम लोगों ने व्यंजन संधि के नियमों पर चर्चा की और संधि का एक महत्वपूर्ण जो प्रकार है व्यंजन संधि उससे संबंधित लगभग सभी नियमों पे चर्चा को हम लोग कर चुके हैं। इस प्रकार से ये जो हमारा जो व्यंजन संबंधी नियमों की जो एक श्रृंखला थी वो समाप्त होती है। ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के एक अन्य प्रकार विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि घर में आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आने वाले समय में हमारे सामने एक दीपावली का महापर्व आ रहा है, तो मेरी ओर से और संस्थान की ओर से आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। और टॉपिक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पे आपको इससे संबंधित अन्य जो शीट्स हैं टॉपिक्स की और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और आपकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा। अपनी आगामी क्लास में हम लोग इसके एक अन्य प्रकार के साथ मिलेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग सुचारू रूप से अपने त्यौहार को मनाएंगे और पर्यावरण का भी ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।